हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आपका मेरे इस नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो आज मेरे यहाँ बनने वाला है कुछ स्पेशल। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने चूल्हा जला दिया, बिल्कुल देसी अंदाज में बनाने वाले हैं आज का खाना। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हमारे रेडी हैं। तो देख कर बताइए आप आज हम क्या बनाने वाले हैं। मैं आपको नहीं बताऊँगी, तो मुझे बताएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कैमरा सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं बनाना। वेट, पहले ये कैमरा सेट कर दूँ। सबसे पहले हम पनीर खाने के लिए मिर्चियाँ तल लेते हैं। देखा होगा आपने कि हम बड़े बड़े से रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ के लिए मिर्चियाँ पनीर का टेस्ट बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम भी मिर्चियाँ तल के निकाल लेंगे। तो सिंपली मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस बीच से इसको कट करके इसमें नमक, और ये देखिए यहाँ अजवाइन थी तो मैंने बारीक इसको कूट ली है, तो ये उसके ऊपर डाल देती हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी अजवाइन की मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हमारे लीवर में भी बहुत फ़ायदा करती है। तो ये देखिए, अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी मिर्चियाँ तैयार हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी जो मिर्ची है वो फ्राई हो रही है। अभी थोड़ा इसको और फ्राई कर लेते हैं, अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुई है। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप हमारी जो मिर्ची है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं शाही पनीर बनाना। तो ये देखिए मिर्चियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ऑयल थोड़ा हमें अच्छे से डालना है, इसकी क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। मिर्ची की इसमें बस बहुत लग रही है। थोड़ा किसी में हम मसाले यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया जीरा, चाहें तो और भी मसाले यूज कर सकते हैं, मैंने सिर्फ जीरा ही यूज किया है। तो ये देखिए इसमें हमने ये अदरक लहसुन और ये प्याज इनका पेस्ट बना के पहले से रेडी कर लिया था, तो इसको हम तेल पे छोड़ देंगे।
और इसे थोड़ी देर भुनाने के बाद इसके हम लेंगे टमाटर का पेस्ट, गाजर, ये सारे मसाले तैयार करके रख लिए हैं, ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले से थोड़ी देर भून लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं कलौंजी डालना भूल गई थी, तो इसमें मैं अभी इसमें ऐड कर देती हूँ। कलौंजी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे महक बहुत अच्छी आ जाती है। और ये हमने तेज पत्ते थोड़े से डाल दिए हैं, अभी इसे थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ देंगे हम। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें ये सब कुछ सूखे मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, इन सबको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा पनीर रखा है, ये टमाटर का पेस्ट हमने पहले से ही बना लिया है, ये गाजर कसी हुई, और ये खोया, और ये मलाई। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके अपना शाही पनीर रेडी करने वाले हैं। तो चलिए अब ढक्कन ढक देते हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए जब तक। तो ये लकड़ी काफ़ी बड़ी लगी है तो आग थोड़ी जलने में प्रॉब्लम हो रही है। ये थोड़ी यहाँ तक जल जाए तो फिर उसके बाद इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे। तब तक ऐसे ही हमें काम चलाना पड़ेगा, थोड़ी सी बड़ी है। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखिए कैसे तेल छोड़ गया है। इसलिए हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये देखिए, जो हमने गाजर कस के रखी हुई थी, हम इसमें डाल के इसको भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके से बनाने पर। तो आप लोग भी ऐसे जरूर ट्राई करिएगा एक बार। और ये हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो दो टमाटर थे बड़े बड़े, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा पनीर भुन रहा है। यहाँ देखिए, सफाई करके जो कुछ झालर थी, तो ये अब भी धो रही है बैठ के। ये सारे फ्लावर्स थे, सारे गंदे हो चुके थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट हो गई थी। तो इसको आज सब धुल के अच्छे से सुखा कर फिर इसे हम डेकोरेट करेंगे। अब ये देखिए, ये मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर है।
ये देखिए हमारे सारे फ्लावर्स अच्छे से धुल चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से साफ हो चुके हैं। यार अभी क्या देखिए, अब हम इन्हें लगा देंगे। यहाँ देखिए इसको सूखने के लिए ऐसे टांग दिया है। और यहाँ बन रहा है हमारा खाना। तो ये देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा भुन चुका है, थोड़ा सा। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसलिए जो हमने एक्स्ट्रा मिर्च डाली थी वो हमने निकाल दी है, इसके कारण कचरा जैसा नहीं होता है। अब उसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा, इसके बारीक बारीक करके इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अपनी मलाई निकाल के रखनी थी, इसमें हम मलाई डाल देंगे। अब इतना मटेरियल हम खरीदे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। हमारी अलग जाएगी, चली गई। तो ये देखिए पनीर हमने पहले से कट कर रखा हुआ था, तो इसे ग्रेवी पे छोड़ देंगे। इसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट, इससे उसका टेस्ट और ही अच्छा आ जाता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सारे पनीर ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे। तो ये भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी लास्ट स्टेप इसका बाकी है, इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। तो ये देखिए आज की धूप बहुत अच्छी निकली है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए जितने भी यहाँ पे फ्लावर अभी धुले थे तो वो सारे अच्छे से हमने यहाँ पर डेकोरेट कर दिए हैं। यहाँ देखिए इसकी बेडशीट रह गई है तो इसे भी बिछा देते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारे इस रूम का लुक। ये देखिए यहाँ कितने अच्छे अच्छे से फ्लावर लगे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हम बेडशीट को बिछा देते हैं, उसके बाद हमारा जो इतना एरिया है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्री टाइम पर आप यहाँ बैठ सकते हो। तो ये देखिए ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये हमारे इस रूम को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। ये हमारी विंडोज़ लगी तो बाहर का भी सारा कुछ यहाँ से दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से। ये है हमारा पनीर, क्या हाल है। तो चलिए देखते हैं हमारा पनीर रेडी हो चुका है। देखिए हमने इसको पका लिया है। पनीर हमारा रेडी हो चुका है। तो ये रही कसूरी मेथी, इसके हम पनीर को थोड़ा ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो इस तरह से हम डालेंगे, इससे इसकी महक और तेज आती है। थोड़ा सा हाथ के से रब करके और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो कसूरी मेथी आपको जरूर डालनी है।
तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। तो ये हो गया है रेडी, अब हम इसे निकाल के अब बनाएंगे रोटियाँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शाही पनीर की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बिल्कुल देसी तरीके से हमने इसे चूल्हे पे और मिट्टी की कढ़ाई पे बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। चलिए तो अब हम टिक्कड़ बना लेते हैं, तो पनीर के साथ खाने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। रोटी कैसे बनाते हैं और यहाँ ये देखिए पहले शाही पनीर आपको दिखाती, देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में, कितना प्यारा इसका मतलब देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी ना होगा। और याद से आपको कसूरी मेथी ज़रूर इसमें ऐड करनी है क्योंकि सारा टेस्ट कसूरी मेथी का ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए हमने सर्व कर दिया था, मैंने नहीं किया था, अपी निकाल रही थी क्योंकि मैं तो रोटियाँ बना रही थी और जो फ़ोन था वो मैंने शूट के लिए स्टैंड पे लगा दिया था। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म हमने गर्मा गर्म शाही पनीर निकाल दिया है और ये हमने सैलेड कट करके रख दिया था। तो सबसे पहले आपको ये शाही पनीर हमारा कैसा है उसका लुक मैंने दिखा दिया है और यहाँ हमने सर्व कर दिया था। तो ये चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियाँ सैलेड प्लस उसमें जो मिर्च होती है ना, तो बस सारा टेस्ट मतलब कुछ कमी नहीं होना चाहिए, सारा ही कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तभी असली टेस्ट आता है देसी खाने का, तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा लगता है हमें, मतलब इतना टेस्ट है तो रेस्टोरेंट में भी नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरी ये रेसिपी फॉलो करिएगा और मुझे बनाकर ट्राई करके जिसने भी बनाया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ये आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ देखिए मुझे 10 out of 10 मिले थे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना था, ऊपर से चूल्हे का खाने की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ अप्पी ने सर्व कर दिया था और फिर हम और मम्मी बैठ गए थे रोटी बनाने के लिए, तो हम लोगों ने सारी रोटियाँ बना ली थी और उसके बाद ही हम खाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी और मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैंने ये ब्लॉग सारे सर्दियों में बनाए थे लेकिन मुझे एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर पिछली वीडियो में जो वेडिंग मुस्लिम वेडिंग वीडियो में जो फ्रेंड की हमारी वेडिंग थी उसमें इतना ज़्यादा प्यारा आप लोगों का मिला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई। तो मैं पूरा ट्राई करूँगी, फुल ट्राई रहेगा मेरा कि आपके लिए अच्छे से कुछ ना कुछ नया आपके साथ शेयर करूँ, अपने अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स बनाऊँ और बिल्कुल भी आलस नहीं करके बिल्कुल एक्टिव होके आपके साथ जितना हो सके, वैसे मेरा टारगेट है कि डेली व्लॉग्स शेयर करूँगी आपके साथ। बाय द वे कभी कोई काम हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि डेली व्लॉग ही आपके साथ शेयर करने हैं। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया करने के साथ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जितना हो सके उतना शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें, अभी हमारी फैमिली हो। और जिन लोगों का और भी चैनल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं तो मैं भी उनका फुल सपोर्ट करूँगी। तो प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्योंकि आपके लिए अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स मैं फुल ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स शेयर करती रहूँ आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड्स।